बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। अगर किसी शख्स को खौफ, डर, परेशानी या डिप्रेशन के मामलात हैं, खुद एतमादी की कमी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ुजल्ला आज की इस वीडियो में हम आपको एक आसान सा अमल बताने जा रहे हैं। तो अगर किसी को कोई खौफ होगा, किसी किस्म का कोई डर है, बेसुकूनी है, हर वक्त परेशानी के मामला उस पर दरपेश रहते हैं, परेशान कुन वो रहता है, खुद एतमादी उसके अंदर होती है, कोई भी काम करता है तो दिल घबराता है, काम करने का दिल नहीं कर पाता, या फिर हर काम के अंदर नाकामी हो जाती है, यानी काम में हाथ डालते हैं तो वो नाकामी का सामना करना पड़ता है, पढ़ते हैं पढ़ाई में दिल नहीं लग पाता, या जो याद करते हैं वो याद नहीं हो पाता, या इम्तिहान करीब आते हैं तो फिर वो दिल घबराता है, और जो याद किया होता है वो सब का सब भूल जाते हैं, किसी महफिल में जाने से खौफजदा होते हैं और तन्हाई का शिकार रहते हैं, या शादीशुदा मामलात के अंदर जो जिंदगी के मामलात में परेशानी का सामना होता है। अलगरज इन में से कोई भी आपके साथ मामला है, कोई भी आपके साथ परेशानी है, इंशाल्लाह इस अमल के करने की बरकत से वो सब की सब खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इस अमल को आप यकीन कामिल के साथ करेंगे तो फायदा जरूर होगा। और चैनल बना है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। आपने अमल करना है कि आपने एक सादा कागज ले लेना है और उस कागज पर आपने बड़ा सा अल्लाह लिख लेना है, और उसको लिखने के बाद आपने उस पर्चे को जो अल्लाह लिखा है रात सोने से पहले और सुबह बेदार होने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक नजर जमाकर उस कागज पर आपने देखना है, यानी अपनी नजर इधर उधर नहीं करनी बल्कि उस कागज पर आपकी नजरें जमे रहे और 10 मिनट तक आपने ये काम करना है। बेहतर है कि सोने से पहले जब ये अमल करें तो उसके बाद आप दूसरा काम ना करें बल्कि आप सो जाए। और फिर ये करने के बाद आपने करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हफीदु या रहीमु 11 मरतबा पढ़ना है, और रोजाना आपने ये अमल भी करते रहना इसके साथ साथ या सलामु या मुमिनु या अल्लाहु 300 मरतबा आपने ये भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह सबजल्ला चंद दिन अमल करने से आपके जो भी मामलात होंगे, जो भी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह आपकी वो सारी खत्म हो जाएगी। तकरीबन 4 माह का ये यूं समझ लीजिए अमल है ये, यानी 4 माह आप अगर इसको मुसलसल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह 4 माह के अंदर अंदर आपके सारे मामलात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला तमाम पर अपना फजल करम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।